नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा 2 मूवी का क्रेज और बस ऑडियंस के बीच में कितना ज़्यादा बना हुआ है, और वहीं ऑडियंस इस फिल्म को आज के दिन कैसा रिव्यू और प्लस इस फिल्म को कैसा पब्लिक रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों, आप लोगों को बताया चले कि अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा 2 मूवी को आज दिन बम्पर तरीके से रिलीज कर दिया गया, और पहले ही दिन इस मूवी ने जो कि सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, इस मूवी को जोरदार ऑक्यूपेंसी मिली है पहले दिन। और साथ ही साथ आप लोग बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 मूवी का इंतजार जो कि बहुत ही लंबे समय से ऑडियंस कर रही थी, फाइनली इस मूवी को आज के दिन जो कि ऑडियंस देख रही है, और साथ ही साथ आप लोगों को बताया चले कि अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रही है। आप लोगों को बताया चले कि पुष्पा द रूल तेलुगु भाषा की एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में आप लोगों को भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को शिव कुमार ने लिखा है, और वहीं इस फिल्म को शिव कुमार ने निर्देश किया है। यह फिल्म एक जोरदार और धमाकेदार फिल्म है। वहीं एक्शन इस फिल्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहीं कॉमेडी भी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेगी, और वहीं दोस्तों इस फिल्म में आप लोगों को रोमांटिक यानी कि कुछ रोमांस भी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म को जो कि डायरेक्ट तो शिव कुमार कर ही रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को म्यूजिक दिया है श्री देवी प्रसाद ने। और वहीं दोस्तों, इस फिल्म के बजट की बात करें तो इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए है, और वहीं इस फिल्म में आप लोगों को अल्लू अर्जुन, फहद फाजिल और वहीं दोस्तों रश्मिका वंदना देखने को मिली है। फहद फाजिल का बहुत ही डेडली लुक आप लोगों को देखने को मिला है इस फिल्म में। फहद फाजिल जो कि एक विलन किरदार में नज़र आ चुके हैं, हालांकि अल्लू अर्जुन इस फिल्म में तस्कर जो कि चंदन की तस्करी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही हाई लेवल पे आप लोगों को चंदन की तस्करी करते हुए नज़र आ रहे हैं अल्लू अर्जुन। और वहीं इस फिल्म में रश्मिका वंदना का भी लुक बहुत ही डिफरेंट है, और वहीं रश्मिका वंदना बहुत ही हटके और बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म में दिखाई गई हैं। यानी कि यह फिल्म जो कि पुष्पा मूवी से बहुत ही डिफरेंट है, और वहीं दोस्तों बहुत ही ज़ोरदार है। यानी कि शिव कुमार ने इस फिल्म को बहुत ही हाई लेवल पर बनाया है, और वाकई में इस फिल्म की हाई लेवल जो कि देखने को मिल भी रही है। इस फिल्म में गजब के कैरेक्टर, गजब के एक्शन और हर एक चीज़, हर एक क्वालिटी को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। और वहीं दोस्तों, वाकई में इस फिल्म को ऑडियंस बहुत ही अच्छा खासा रिव्यू दे रही है, और साथ ही साथ पब्लिक रिव्यू भी इस फिल्म को बहुत ही ज़ोरदार मिल रहा है। बात करें इस फिल्म के जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को पता ही चले कि यह फिल्म को जो कि पैन इंडिया में रिलीज़ किया गया है, यानी कि इस फिल्म को 5 भाषाओं में रिलीज़ किया गया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में रिलीज़ किया गया है। यह फिल्म हिंदी भाषा में तो अच्छा खासा ग्रोथ हासिल कर ही रही है, लेकिन इस फिल्म को और भी भाषाओं में बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि बिहार में सबसे ज़्यादा इस फिल्म को रिस्पॉन्स जो कि मिल रहा है। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो यह फिल्म सारी भाषाओं को मिला के जो कि 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकती है, और वहीं दोस्तों सारे हेटर्स की बोलती बंद कर सकती है। दोस्तों, आप लोगों ने अगर अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा 2 मूवी देखी है तो आप लोगों को अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा 2 मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।